आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड अ बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस वंडरफुल वेब सीरीज कॉल्ड कातिल. सो यू हैव बीन पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल मूवी वी मद्रास कैफे वी यू नो एनी अदर थिंग एंड आई एम श्योर दैट अगर आप इस वेब सीरीज में तो कोई स्ट्रॉन्ग ही कैरेक्टर होगा. सो एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर. सबसे पहले तो आपको भी थैंक्स एंड टू द होल टीम ऑफ कातिल. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अन्ना. गैंगस्टर है. इस पूरे कातिल में 5 गैंग्स हैं जिसमें से ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल अंग्रेज. और मैं भी हूँ एक गैंगस्टर. और गैंगस्टर के अलावा भी मतलब उनका परिवार भी है सबके. इवन अंग्रेज के भी देखेंगे या बाकी भी जो लोग हैं. और इवन मेरा भी जो कैरेक्टर है जिसमें मेरा एक छोटा भाई है पूरी फैमिली सी है. और फिर क्या बीच में घटनाएं घटती हैं और वो तो खैर आप 20 तारीख को देखेंगे. ग्रुप कहना चाहिए. देखिए इसको डिफिकल्ट भी नहीं कहा जा सकता और ना ही इजी भी कहा जा सकता है क्योंकि काम है. काम को काम के तरीके से जो कॉल टाइम मिलता था सेट पे आना और सबके पास अपने अपने स्क्रिप्ट्स पहले से मिल जाया करती थी. रिहर्स करना और देन शूट करना और मस्ती में. बट हाँ जब सीन्स होते थे तो ईच एंड एवरी एक्टर यूज टू बी वेरी सीरियस. और मैं तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि 20 तारीख अभी हो जाए और देखूं मैं. इतना मैं एक्साइटेड हूं. राइट. इतने सारे एक्टर्स हैं किसके साथ वो गिवन पे एज एन एक्टर एक पर्टिकुलर सीन करना कोई कैसा सीन है जो आपके दिल के बहुत करीब है. सो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग. देखिए सारे एक्टर्स जितने भी लोगों के साथ मेरे चाहे वो तनुज हों चाहे ऋतिक हों कोई भी हो सबके साथ बहुत बढ़िया रहा. और इवन शूटिंग के दौरान तनुज को चोट भी लग गई थी. सीक्वेंस एक कर रहे थे तो जहाँ और एक सीन है जहाँ मेरे घर का ही वो भी परिवार का ही एक सदस्य है. एक सीक्वेंस था जहाँ उसे गुस्से में थप्पड़ मारना था तो उसने कहा सर आप मार दीजिए. मैंने कहा नहीं भाई लग सकती है तो बट वो दैट एक्टर वाज सो कोऑपरेटिव कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसे एवरी एक्टर जिसके साथ भी सीन्स मेरे हुए हैं उतने ही मजा भी आया उनके साथ काम करने का. और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक एक्टर के लिए सामने जो किरदार है वो उस तरीके से रिएक्ट करे तो आपको भी अच्छा लगता है. तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर मतलब क्या बताऊं मैं शब्द कम पड़ जाएंगे. मैं इतना आनंद आया मुझे. You seem pretty confident about this web series. जैसे आपने अभी कहा कि you want कि 20 तारीख अभी आ जाए. So one thing which you believe कि कातिल will you know perform good and people will love it. So एक reason उस चीज के लिए. आप लोग promos और trailers तो देख ही रहे हैं. देखकर ही पता
लग रहा होगा एंड कि कितना खूबसूरत बना है, तो इट्स बाउंड टू बी अ सुपर हिट, इट्स बाउंड टू बी। मतलब कहानी इतनी खूबसूरत, इतने सारे किरदार और जिस तरीके से बनाया गया है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब ने अपना 100% भी नहीं कहूँगा 1000% अपनी एनर्जी डाली है, तो इसलिए नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसमें वन ऑफ द की कैरेक्टर्स हूँ। अगर मैं नहीं भी होता, अगर फॉर एग्जांपल मुझे हटा दीजिए काटल से और मैं ये ट्रेलर देखूँ तो डेफिनेटली मैं देखना चाहूँगा, इट्स सो सो सुपरबली डन, इट्स सो कैची। Any actor who really impressed? I mean, there's a lot of actors. You being a senior person, you know the skills of everything. So any actor who you and the art just काफी impressed with, be it acting or dedication. So if you can name anyone. Everybody. I mean, Supriya ji, one of the finest actors. और चाहे वो तनुज हैं या ऋत्विक हैं, सब एवरीबडी, मतलब किसी को मैं ये नहीं कह सकता हूँ, सबके साथ एवरीबडी ऑल वेरी डेडिकेटेड। और जब सीन होता था तो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सब कमिटेड। और मुझे भी लोगों को देखते हुए जो आज के यंगस्टर्स हैं बड़ा अच्छा लगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला कि Lastly, sir, my last question to you is: you have been part of in this industry, you know, for a lot of time, you know. And so, isn't there, अभी भी ऐसी कोई you know character है or any type of body work which you really want to do? At least जब तक आप act करेंगे, you want कि ये character तो मुझे play करना ही करना. Anything which is there in your wish list? देखिए, actor की जो भूख है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। और एक एक्टर चाहता तो है कि मैं ऐसा कुछ किरदार करूं, वैसा कुछ किरदार करूं, बट जब कहानी सामने आती है, जब आपको नरेट किया जाता है, तो उसके बाद ही यू नो डिफाइन किया जा सकता है। बट मैं उस मामले में हमेशा लकी रहा हूं कि मेरे पास हमेशा अच्छे किरदार आए हैं करने के लिए, एंड मोस्ट डिफिकल्ट वंस, और ऐसे ही मैं दुआ करता रहूँगा कि ऐसे कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले डिफरेंट। हालांकि ये बहुत शायद पहली बार एक डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, so thank you so much for this lovely interview and I really hope ki you know Katil's jitni mehnat se aapne banaya logo ko utna hi acha you know se response de kuch bhi agar aap is web series ke bare mein hamare viewers ko apne fans ko kuch bhi kehna chahenge to kya hoga? नहीं, मैं तो जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने ट्रेलर और प्रोमोस तो देख ही रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये देखें, मैं ना भी कहूं तो भी आप लोग देखेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और ट्रेलर्स इतने कैची हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा भी कि मैं अगर इसका पार्ट नहीं भी होता तो भी देखता, तो ऐसे ही जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, तो ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।